आई वॉज लर्निंग अबाउट मास्टर मर्लिन, तो ये सारी चीजें, और बल्कि मैं आपके पीपीटी भी बना रही थी ना, मुझे ना विजुअल्स दिखते, क्योंकि हम सब लोग जैसे आई एम अ क्लेयरवॉयंट, ठीक है, तो विजुअल्स दिखते हैं, पूरी स्टोरी ना सामने आने लगी. इट इज दैट कि मास्टर मर्लिन साइड में बैठ के ना पूरी चीजें मुझे बता रहे हैं. इट्स नॉट दैट कि मुझे किसी ने सुनाई है ये स्टोरी. उसमें से बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स आए जो मैंने कभी सुने ही नहीं थे. मतलब ऐसा कि ही इज टेलिंग मी. मैं आपको इसकी ऑथेंटिसिटी इसलिए खुद बोल रही हूँ क्योंकि वो चीज मैंने अपने आप में देखी. कैसे देखी? बाय द विजन्स. अब क्या होता है, मास्टर मर्लिन दो तरीके से कनेक्ट होते हैं, या तो बाय द वे ऑफ ड्रीम्स, इसके बारे में आके बात करूंगी, ठीक है, जिसको ड्रीम से नहीं होते, फिर वो उसको स्पिरिट वर्ल्ड से होते हैं. तो ये ऑटोमेटिक होते हैं, हम सब होते हैं ना, कुछ जन्म से ही क्लियर पॉइंट होते हैं. हमें कोई काफी चीजें दिखती हैं, जैसे मुझे दिखती थी, मुझे पूरा नहीं दिखता था, मुझे थोड़ी 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 चीजें दिखती थी. मुझे ऑरा दिखता था, मुझे ट्रीज के अराउंड दिखता था, वॉल्स के अराउंड दिखता था, फर्नीचर के अराउंड दिखता था, मुझे ऐसा ऑरा दिखता था, मुझे सन की लाइट लाइट के अंदर वो पार्टिकल्स जो ग्लोब्यूल्स होते हैं, प्लैनेटिक ग्लोब्यूल्स, मुझे वो दिखते थे, बहुत ज्यादा शाइन. बट मुझे लगता था सबकी कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है, हम लोगों का सबका कोई ना कोई वॉयंस जो क्लेयर्स होते हैं वो ओपन होते हैं. इट कैन बी क्लेयर वॉयंस, है ना, आप सब समझते हैं ना, क्लेयर सबको मालूम है. क्लेयर्स के बारे में, फाइव सेंसेस एंड फाइव हमारी मेंटल सेंसेस होती है, स्पिरिचुअल सेंसेस. पांच सेंसेस जो फिजिकल है उसको अगर हम स्पिरिचुअल वे में ले लेंगे तो वो क्लेयर्स हो जाते हैं, ठीक है. तो उस वे में मुझे मास्टर मर्लिन की काफी स्टोरी पता चली, एंड आई वाज सो अमेज्ड कि थोड़ी तो डिफरेंट थी जो मैंने सुना था, पढ़ा था, जो जैसे जो भी मुझे मर्लिन के बारे में पता चला था, लेकिन दैट वाज रियली डिफरेंट. और मुझे तब मेरे मन को आके ना शांति मिली कि यस, दिस इज द रियल ट्रू स्टोरी ऑफ मर्लिन. वही मैंने कुछ कुछ पॉइंटर्स आप सबके लिए लिखी हैं, आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर इट विद यू. तो चलो थोड़ी सी आज हम मास्टर मर्लिन की कहानी सुनते हैं, ठीक है. आज स्टोरी सेशन है. तो मर्लिन, मर्लिन को हम फादर ऑफ द मैजिक भी बोलते हैं, क्योंकि वहीं से सबसे पहले वहीं से स्टार्ट हुआ था. मर्लिन का मतलब क्या होता है, जब वो मास्टर मर्लिन जब पैदा हुए थे ना, तो ही वॉज जस्ट लाइक, वो उनके ना बाल थे बहुत ज्यादा, बड़े बड़े बाल थे, ठीक है, एंड ही वॉज सराउंडेड विद हेयर विच वर वेरी सॉफ्ट. और उनको जब हाथ में लिया गया तो ऐसा लगता था छोटी सी एक चिड़िया है, वो जो बर्ड होती है उसका नाम मर्लिन होता था वहां पे, ठीक है. उसके सारे अराउंड में ब्लैक फेदर्स होते थे, तो मर्लिन बेसिकली इज अ नेम ऑफ अ बर्ड. जब वो पैदा हुए थे बिल्कुल वैसे लग रहे थे, ठीक है, तो वो है मास्टर मर्लिन. अब मास्टर मर्लिन को ना और भी बहुत सारे नामों से बोलते थे, ठीक है, मैडब्रिन बोलते थे, और भी बहुत सारे नामों से बोलते थे. बेसिकली अगर जो मुझे अपने मतलब जब मास्टर मर्लिन के साथ कनेक्शन हुआ है, जो मुझे पता चला है, मास्टर मर्लिन का जन्म हुआ था 5th सेंचुरी में, लेकिन हमारे पास जो रिटन एविडेंसेस है वो है 12th सेंचुरी से. लेकिन 12th सेंचुरी में आर्थर, किंग आर्थर ने जन्म लिया था, वो किंग आर्थर का ईरा था. मास्टर मर्लिन का जन्म था 5th सेंचुरी में, ठीक है. तो जब तक वो आर्थर के ईरा में आते आते ना, वो बहुत काफी ज्यादा ओल्ड हो गए थे. आप सोचो कितने सालों, मतलब 100 ही साल पुराने, 500 600 साल पुराने तो हो ही गए थे उनकी एज, क्योंकि मास्टर मर्लिन वो उनकी एज ना प्रकृति से ऐसे नहीं चलती थी. उन्होंने गेन कर लिया था अपनी एज से अबव, यू नो, सब कुछ, क्योंकि अभी भी वो अवेलेबल है. ही इज अवेलेबल राइट नाउ ऑल्सो, बट इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, नॉट इन द फिजिकल वर्ल्ड. बट बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस भी हुए हैं, मास्टर मर्लिन ही नोज हाउ टू चेंज द शेप. ही इज अ शेप शिफ्टर, ठीक है. ही कैन इवन चेंज द शेप ऑफ अ फेदर. ही कैन इवन चेंज द शेप ऑफ एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट विच यू मे हैव इन योर हैंड, राइट, टू गेट कनेक्टेड टू यू. इट इज सच अ बिग एविडेंस विद मैनी मैनी पीपल. मेरे साथ ऐसा कोई एविडेंस, मुझे हो सकता है वो मेरे साथ किसी चीज से कनेक्टेड हो, लेकिन मुझे अभी तक नहीं पता चला कि किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू मुझसे कनेक्टेड है. लेकिन हाँ, उनकी एनर्जी मैंने अपने अराउंड जरूर फील की है. सबसे पहले मास्टर मर्लिन मेरी लाइफ में ना एज अ पेंडुलम आए थे, और मेरे क्रिस्टल स्टूडेंट्स को मालूम है, मैं ये पेंडुलम अपने पास रखती हूँ, उनको भी दिया है मैंने मास्टर मर्लिन पेंडुलम. और भी बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन कनेक्शन मेरा पेंडुलम से ही हुआ था, राइट. इनकी एनर्जी इतनी जबरदस्त है, आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, आप उनसे बोलेंगे ना, मास्टर मर्लिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा, प्लीज मुझे इसका आंसर दो, कहीं ना कहीं से आपके पास वो आंसर आ जाएगा.
एंड बिलीव मी, जब से मैंने मास्टर मलिन को अपने पास रखा है, जब से मैंने इनकी एनर्जीज कनेक्ट किए, बाकी सारी ऑकल साइंसेस में भी मेरी एनर्जीज और बढ़ती जा रही है, बिकॉज इनकी एनर्जीज इतनी प्योर है एंड ही इज द कैरियर ऑफ द हाइएस्ट एनर्जी, मैजिकल एनर्जीज। ठीक है, हिज फादर, अब बात होती है कि मास्टर मर्लिन के पास ये सारी चीजें आई कैसे, वाई मास्टर, ओनली मास्टर मर्लिन, और कोई क्यों नहीं है। ये ना एक बहुत बड़ी कहानी है, द स्टोरी स्टार्ट विद हिज मदर। उनकी मदर वॉज सपोज टू बी वेरी ब्यूटिफुल वुमेन, लेकिन वो चर्च में बहुत विश्वास रखती थी। ठीक है, तो पहले, अब ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है डेविल और गॉड का। तो डेविल जो शख्सियत है, बेसिकली हम उसको कहते हैं नेगेटिव एनर्जी का कैरियर है, बट डेविल इज नॉट नेगेटिव एनर्जी। सुर और असुर, सुर क्या होते हैं, हम उसको देवता कहते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी के कैरियर, असुर जो नेगेटिव एनर्जी के कैरियर होते हैं, लेकिन असुर इज नॉट नेगेटिव एनर्जी के कैरियर। असुर सीमित, असीमित, सीमित मतलब जो छोटे उसमें रूप में होता है, असीमित मतलब जिसकी कोई सीमा ही नहीं होती। तो सुर असुर, असुर मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसकी पावर की कोई सीमा नहीं है, वो असुर होते हैं। तो डेविल, देवर, बेसिकली हमने उनको नेगेटिव एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर दिया है, बट देवर द कैरियर ऑफ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द एनर्जी, दे कुड डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, और देर आर मेनी काइंड ऑफ सच यू नो एनर्जीज। ठीक है, मे भी कुछ डेविल मतलब जो ऐसी एनर्जीज होंगी उन्होंने नेगेटिवली यूज कर लिया, तो उसको हम एसोसिएट हमेशा ना नेगेटिविटी के साथ करते हैं, और इस बात के ऊपर ना बहुत बड़ी आप डिबेट भी कर सकते हो। तो हम उन सब चीजों को फिर भी ना साइड में रख के अगर हम ये देखते हैं कि ये सारी सब एनर्जीज होती है, हम सारी पूरी नेगेटिव या पॉजिटिव सबको एक यूनिटी में लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी एनर्जीज होती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में।